नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर एंड आवर चैनल समाप्ति एक्सप्लोर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आज मैं शेयर करूँगी कुछ विंटर की रेसिपीज जो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही मज़ेदार होता है। और यहाँ पे कुछ बनाना घर पे रह गया था क्योंकि सबके गले में प्रॉब्लम हो रहा था तो बनाना नहीं खा रहे थे, तो इसको बना दिया मिल्क शेक। पिसा हुआ चीनी, इलायची पाउडर और पाउडर मिल्क डाल के बना दिया मिल्क शेक और बच्चे भी खा लेते हैं, बहुत ही मज़ा होता है और हमारा बनाना भी चल जाता है। और ओमिक्रॉन की वजह से स्कूल और ऑफिस दोनों ही घर से ही कर रहे हैं, तो होपफुली नेक्स्ट वीक तक स्कूल ऑफिस दोनों ही खुल जाएगा तो हमारा नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया, उसमें डाल दिया थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और फिश ऐसे 3-4 पीस बच जाए तो आप ऐसे सब्ज़ी बना सकते हैं। और ये फिश थोड़ा सा बोन कम वाला फिश हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिश में मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था, नमक डाल के बॉयल करके ऐसे श्रेडेड कर लिया। और पत्ते को भी, सरसों का साग को भी मैंने अच्छे से ऐसे काट कर लिया। अभी डालेंगे मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा कलौंजी की छौंक और डाल के फिश को डाल के थोड़ा सा हल्दी या नमक डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो फिश मेरा भून चुका है, अभी उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल देके तेज पत्ता और ड्राई रेड चिल्ली की छौंक और साथ में प्याज भी डाल दिया। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फिर डाल देंगे साग। साग पे आप जिंजर गार्लिक की पेस्ट भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। हल्दी, नमक, जीरा, कोरिएंडर सब डाल के लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा डाला। अच्छे से भूनेंगे साग को। साग भुनने के बाद फिर श्रेडेड फिश को डाल दिया, फ्राई किया हुआ फिश को, और थोड़ी देर भुनेंगे। हमारा मज़ेदार साग रेडी हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिली भी डाला है। रेड मिल्क की और एक यूज देखिए, रेड मिल्क ऐसे भी किसी ने यूज किया है, हम यूज कर सकते हैं ना बाबू। वाह, सब कुछ घर पे है बाबू। और नेक्स्ट सब्जी है ओल गोभी और आलू की सब्जी, और साथ में डालूंगी सोया वड़ी। बड़े बड़े सोया वड़ी को मैंने बॉयल करके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिया और हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल के फ्राई कर लिया। मस्टर्ड ऑयल में मेथी और अजवाइन और ड्राई रेड चिल्ली की छौंक लगा दिया। मैंने बड़े बड़े पीसेस टमाटर डाला, फिर हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मल मसाला, जीरा, धनिया सब डाल के थोड़ा सा पानी देके भून लेंगे। और टमाटर तो ऐसे ही अच्छे से भून जाता है, टमाटर सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। फिर डाल देंगे हमारा जो बॉयल किया था मैंने ये ऑल गोभी और आलू को, एक सीटी लगा दिया था उसको डाल दिया। डाल के थोड़ी देर पकाएंगे, फिर डाल देंगे सोया बड़ी और सोया बड़ी को डाल के और थोड़ी देर पकाने के बाद डाल देंगे गर्म पानी। गरम पानी में थोड़ा सा उबाल आने के बाद घी डालेंगे। हमारा मज़ेदार सब्जी तैयार हो गया। दोस्तों, आपको मेरे ऐसा रेसिपीज अच्छा लगता है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप किस टाइप का रेसिपी देखना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी खिलाया, साग खिलाया, साथ में फिश भी खिलाया, तो फिर इसलिए मेरे साथ अभी बोल रहे हैं ये पंजा लड़ेगा, तो देखो कौन जीतता है। सच में हम लोग, मैं पूरा कोशिश करूंगा। हाथ भी चलो, किसी भी चीज में सपोर्ट नहीं रहना है, पता है। बाकी तुम हटो बाबू। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं। थ्री, टू, वन, गो। Yes.
जीत गया मैं। ओके तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।